अब देखें ना, अब ठीक रहेगी आवाज, अब चेक करना फिर ज्यादा कर। ये कौन से हैं? ये गोल्डन डाले हुए इसमें, ये बोले नहीं, ये डब वाले कबूतर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज का जो है ना देख लेते हैं, आवाज वगैरह ले रहे हैं। सैयद हसन साहब, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक है नुमान गुजर, एक मैसेज तो कर दीजिएगा कि आवाज़ सही आ रही है ऑडियो वीडियो, फिर आपको शो करवाते हैं। माशाल्लाह बहुत आउट क्लास परिंदे रखे हुए हैं, सारे तकरीबन मोस्टली डैडी कबूतर हैं। अब ओके है, हमारे साथ हैं जी अदनान भाई, ज़हीर भाई के बड़े या छोटे भाई? छोटे भाई हैं। क्या हाल चाल है सर? ठीक है, कैसा जा रहा है शौक? जबरदस्त। अच्छा, कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए हैं आपने? मिक्स बर्ड रखे हुए हैं, सबकी जरूरत पड़ती है ब्रीडिंग में। अच्छा, टेडी भी हैं, मियां साहब वाले मोस्टली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकोटी इनकी है तो बहुत अच्छी। सही, तो आपके उस्ताद अमीन कबाब वाले? अमीन कबाब हाउस से। अच्छा, जफर अमीन साहब। अच्छा, तो कर रहे हैं शौक उस्ताद? इधर ही अभी स्टाफ किया हुआ? नहीं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने स्टाफ किया हुआ था, तो अभी रिसेंटली फिर छत इनकी है, तकरीबन एक माह हो गया छत से बाल की है। अच्छा, तो पहले ब्रीडिंग में सिर्फ आ जाए, इधर ही दिखाएं, देखते हैं जी कौन सा परिंदा लेकर आए हैं अदनान भाई सबसे पहले। लगता है टैडी कबूतरों का ज़्यादा शौक है आपको, ज़्यादा तादाद में ये रखे हुए हैं। कबूतर का शौक चेक करें जनाब, रात का टाइम है लेकिन उसकी चमक देखें आँखों की। अभी फ्लश भी मैंने ऑफ किया हुआ है, बहुत माशाल्लाह शफाफ आँख का कबूतर है जी। इसका बताएंगे कुछ? ये मैरू वाले हमारे कबूतर हैं, 5 नंबर हम करके। अच्छा अच्छा, वकास भाई क्या हाल चाल हैं? शहबाज भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा, आज मीरपुर आए हुए थे हमने, कल ज़हीर भाई की तरफ चक्कर लगाएं, माशाल्लाह बहुत ही आलीशान पर, इधर ही रखिएगा इसका। अच्छा, मुझे ना इन दो कबूतरों का कराएं शौक, एक तो ये गया, एक ये जो अंदर बैठा है, माशाल्लाह खूबसूरत तो है, खूबसूरत फिर आप बताएंगे कैसे हैं ये। माशाल्लाह मित्र में इनको सब जानते हैं, शहजादे कर के सजावट डोरों की तरफ से कबूतर रहे हैं, तो ये साद मोहतरम की तरफ से आए हुए कबूतर हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं अदनान भाई कि ये शहजादे कबूतरों के नाम से हमारे पास ब्रीड है, और माशाल्लाह है ही शहजादा। ये खूबसूरती के हिसाब से शहजादे कहते हैं या परवाज़ों के हिसाब से? परवाज़ों के हिसाब, जिसकी परवाज़ नहीं है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, खूबसूरत के साथ खूबसूरत ही है। माशाल्लाह बहुत आलीशान कबूतर है जी। दुम्मे दिखाइएगा इसकी, दुम्मे भी तकरीबन बैलेंस में है जितने भी मैंने देखे हैं परिंदे। वो दूसरे वाला दिखाना, ये वाला कबूतर जो बैठा है, ये जी शहजादी ब्रीड में से जाना है कबूतर। इस कबूतर का आपको शौक कराया है, ये ये किन में से प्योर, ये रामपुरी टच है या टैडियों? रामपुरी वो टैडी, ये शहजादों में से बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, रामपुरी और टैडी दोनों, इसीलिए थोड़े गहरे हो गए हैं ये जी, कलर वाइज थोड़ा सा रामपुरी वाला ज़्यादा चला होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है, तो रिजल्ट में इनका परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है आपने जो ये? रिजल्ट भाई मैंने आगे बताया, जैसे कि परफॉर्मेंस के बगैर अभी कोई बंदा जो कोशिश करता है कि दाना ना डालो कबूतरों को, और ऐसे ही है, पहले जो भी ब्रीडिंग होती है उसको चेकिंग होती है। तुम दिखाइए, हाँ ये तो है, फिर बगैर मेहनत करने का भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है। माशाल्लाह जी कबूतर चेक करें, बहुत आलीशान। अच्छा, कबूतर जितने भी हैं ना सब ही तकरीबन एक से बढ़ के एक हैं। कराएं जी अपनी पसंद के दो तीन कबूतरों का शौक करवाएं।
आपको भी आज तकलीफ ही दी है नहीं, नहीं, क्योंकि मैंने दिन में आना था बस उधर लेट हो गया हूँ। शादी थी असल भाई की आप फिर आपको पता है शादियों में थोड़ा तो आपका शुक्रिया आपकी मेहरबानी इतने दूर से हमारे पास ये कौन जी किंग कबूतर कार के कहते हैं हम इनको जैसे टेढ़ी कबूतर है। अच्छा 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 आँखों की क्वालिटी तकरीबन सब टेडियों की सेम है। आँखें देखें ना आँखों की हल्की सी लाली। अभी आपने वापस भी जाना था अगर दिन को शो करते ना तो फिर नहीं नहीं ये जो लेकिन माशाल्लाह नज़र अच्छा आ रही है ना रात को ही बहुत आउट क्लास लग रही है। ये टुकों वाले कौन से हैं आपके कबूतर वो भी चाहते हैं बड़ा नाम रहा है इनका कबूतरों का अमीन जी कुत्तों वाले कबूतर हैं ये साउथ की तरफ से आए हैं यार भाई इनका तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हमारे पास ये कबूतर। अच्छा जी और सातवीं आठवीं पीढ़ी ये चल रहे हैं और ऐसे ही रिजल्ट इनका। अच्छा ये काले दायरे के साथ एक ग्रे कलर का रिंग है कबूतरों के और किनारी है लाल हल्की सी। ये इधर अमीन कबाब वाले हैं जी मीरपुर वाले तो जानते होंगे खलीफा जफर साहब पार्टी के मीरपुर वाले तो बखूबी जानते हैं खासकर दीना जेलम वाले भी जानते हैं जो हमारे जो दूसरे अपर जनूबी पंजाब अपर पंजाब वो तकरीबन नहीं जानते थे। तारुफ करा रहा हूँ ये अमीन कबाब वाले हैं उनकी तरफ से आए हुए हैं कबूतर जो कि इनके उस्ताद हैं। माशाल्लाह क्वालिटी है एक ये हमारे इधर बहुत मशहूर कबूतर है बहार वाले कहते हैं बेसिक ये सखी साहब वाले कबूतर है किस नाम से हैं जी बहार वाले और इनको भी पूरा मिलकर जानता है जो भी सादासन जरगर की छत पे उड़ती हैं ये मोस्टली तो हर टूर्नामेंट में 3-4 ये लाजमी बैन बाइन के पड़ते हैं। बिल्कुल ये थोड़ा सा अलग लगा है मुझे उन कबूतरों से जो पहले दिखाए हैं ना आपने देख रही हैं पलकें सबकी पीले निकलती हैं या इसकी बस निकली हैं नहीं मोस्टली की आती हैं पल दिख रही है। अच्छा जितने भी देखे हैं ना बर्ड्स पर माशाल्लाह सबके ही बेहतरीन हैं बड़ी बगल के कबूतर हैं दुमों का बैलेंस दुम दिखाइएगा इससे बंद किया हुआ था अंदर तो ये बुरा डरते हैं हाँ जी डरते हैं अभी भी बुरा मना रहा है छोड़े से इस परिंदे का करवाइएगा इसका इसका माशाल्लाह पर के हिसाब से तो बड़ा अच्छा लगा। ये कौन सा है नाम जो बाहर आपको पैर पहले शो कराया उसका कटा है वो थोड़े जालदार थे जो शोल्डरों पे छापे थे जिसके नहीं जिसके कान पे थे वो। अच्छा अच्छा तो पहला पैर आपको ठीक ठीक रात का टाइम है ना थोड़ा पर दिखाइएगा इसका पर मुझे तो बैठे हुए लगा था कि पर वाकई ही पर है ये देखे ना जी पूरा पर लगा हुआ है बड़ी बगल और चढ़ी हुई बगल और देखे ना इधर ही पकड़ना आप ये हम इसका पूरा पर खोलते हैं ये मुकम्मल फिर भी देखेंगे पर कैसे चढ़ा हुआ है और थोड़ा बंद करें ये चीज़ बहुत आलीशान एक दो रेड आइज का कराना शो इधर है या एक मादी इधर पड़ी हुई है ये फखरे बला करके मादी से बोलते थे डोरू मरहूम वाली मादी है उन्होंने गिफ्ट की थी हमें इसका कुंदा चढ़ गया था ये बाजियों में उड़ती रही अभी माशाल्लाह इसका देसी सी मादी है लेकिन इसका आउट क्लास रिजल्ट है। ये इधर सजावल डोरू सजावल डोरू उस्ताद सजावल डोरू मरहूम
बड़े आउट क्लास प्लेयर थे। अच्छा, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, वो कहते थे ना सुबह इतने बजे बैठेगा, उतने बजे बैठे है ना, किसी के राउंड अबाउट आगे पीछे बैठता था और परिंदे का कह के उड़ाते थे वो। बस हम जब भी बैठते हैं बस यही बात करते हैं कि उनका टाइम कम था। पर दिखाइएगा, दरअसल पता क्या है, अल्लाह पाक ने बस जिंदगी इतनी थी तो कम टाइम में बड़ी शोहरत मिली है जी, मीरपुर का बड़ा नाम निकला है, बड़ा नाम पैदा किया जी। ये परिंदा दिखाइएगा, ये मुझे गोल्डन तो नहीं है ये, ये भी बहार वाले। आज हम आए थे जी इधर, राजा असद का वलीमा था हमारे दोस्त का, तो हमने कचरे जहीर भाई की छत पे अदनान भाई से मुलाकात भी हो जाएगी आज, मैंने कहा चलें शौक भी करवा दें दोस्तों को। ये किन में से है? ये 31 नंबर है हमारे घर के, टेडियों में से, गोल्डनों में से, टेडियों में से, सही साहब वाले पूछते हैं। माशाल्लाह बहुत देते हैं, पर दिखाना इसका कबूतर का। इसके बाद एक कबूतर का इधर और शौक करवाते हैं, फिर आपको बाहर एक दो कबूतर का शौक करवाते हैं। अच्छा, परों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, परों की बनावट उनका शेप ऐसे जा कि ये बाहर की साइड पे बहुत आउट क्लास। इसका कराया शो हमने है ना शुरू में, इसके भाई को कराया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी उन्हीं में से है, उन्हीं में से है, उसका भाई है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बच्चे इन्हीं जोड़ों के निकले हुए हैं, और ये जो है गोल किया हुआ लेटा, ये डब वालों में से कमकरों में वाले, दिखाइएगा जरा। अच्छा चलें, दो बड़े कबूतरों का करवाएं। हाँ जी, जी वालेकुम सलाम जी। ज़हीर भाई आपकी कार आ रही थी आज, मैंने व्हाट्सएप फ्लाइट मोड पे नहीं लगाया तो। माशाल्लाह कितने पर की होगी ये पट्टी, है पट्टा पट्टा मेरे अभी ये 3-4 पर का होगा। अच्छा अच्छा, इनके बड़ों में शौक कराते हैं आपने, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एक मिनट सिर्फ वीडियो हल्की सी स्टॉप होगी, मैं व्हाट्सएप फ्लाइट मोड लगाना बोल।